परेशान भाई, फ्रैंकलिन जाके सीधा गन तान दी उस पे कि गाड़ी चुपचाप हैंड ओवर कर दे भाई। उसके बाद फ्रैंकलिन को आया गुस्सा कि उसने बहुत परेशान किया यार भगा भगा के। फ्रैंकलिन ने बंदा मार दिया और गाड़ी लेकर वो निकल रहा है। स्क्रैचेस पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो कर रहा था, और वो भी यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी और लोग बॉडीगार्ड के साथ है। गाड़ी देखते वो कहता भाई ये तो बिल्कुल पेलने लायक माल है, लेकिन नहीं इसको सिर्फ चलाएंगे पेलेंगे। यहीं पर वो एक्टर भाई अपने उससे मेकअप आर्टिस्ट से लड़ रहा है कि भाई तूने मेरा मेकअप बिल्कुल दीपक कलाल जैसा कर दिया है। मैं मेरे को दीपक कलाल ही, मेरे को तो उर्फी जावेद बनना था भाई। 2-3% में ये उर्फी जावेद का बच्चा हो गया है बिल्कुल बेहोश, और मैंने इसको उठा के ले आया हूँ वैनिटी के अंदर। कुंडी लगाकर मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज और उसको छोड़ दिया है एज इट इज। और ये है वो सुपर कार जो कि विंटेज भी है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इस कार को चोरी करके हमें लेकर जाना है नेक्स्ट स्टेप पर। भाई गर्लफ्रेंड नहीं, ये भाई एक्ट्रेस अंदर ऑलरेडी बैठी हुई थी जिसको कुछ भनक नहीं थी इस बारे में। उसको लगा था मैं ही एक्टर हूँ वो उतरी। भाई जैसे मैंने यहाँ पर रोके ना, एक्ट्रेस तो निकल के भागना चाह रही है, गेट हो रहा है ब्लॉक, वो दो तीन जगह टक्कर लग गई है। एक्ट्रेस है बहुत स्मार्ट और भाई फाइनल निकल के भाग गई, और दो है सिक्योरिटी गार्ड, दोनों को मैंने कर दिया है मेस तो नाबू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या पसंद आया और क्या नहीं। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट मिशन में हमने दो सुपर कार चोरी की थी एक बड़े बिजनेसमैन के लिए जो कि राहुल गांधी जैसा दिखता है। लेकिन भाई आज जो उसने हमें मिशन दिया है ना, उसमें हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी है, बिकॉज वो गाड़ी चोरी की है ऑलरेडी और वो किसी गोडाउन में छुपा कर रखी गई है। और किस किस लोगों ने उनको चुराया हो सकता है हमें पता है इस बात का, और हमने इसके लिए पुलिस का हेलीकॉप्टर लिया है जिसमें जिसके अंदर एक स्कैनिंग डिवाइस लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया है फ्रैंकलिन को कि भाई इसमें फ्रैंकलिन दिखाता कि नहीं, तो उसने प्रॉपर नाम दिखाया फ्रैंकलिन क्लिंटन, और उसका जिस जिस बंदे का नाम हमारे पास आया हुआ था उसकी लोकेशन पर हम लोग जाकर चेक करेंगे कि क्या यही वो बंदे हैं जिसके पास वो गाड़ी हो सकती है। तो भाई ये लोकेशन है, पहला बंदा हम स्कैन कर रहे हैं, नेल्सन करके कुछ नाम है, ये बंदा नहीं है। दो और लोकेशन है यहाँ पर, दो बंदे और होंगे। भाई ये छत के ऊपर क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, या तो ये लड़का लड़की है या लड़के लड़के हैं, दोनों ही खराब बात है इतने ओपन में करना, बिल्कुल असामाजिक इसको बोलूंगा। एक बंदा और है नीचे स्विमिंग पूल के पास, इसका नाम है कैटी लोडेन, बहुत गंदा नाम है, इसको भी हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये भी हमारे उसमें नहीं आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब हम लोग जाते हैं तो भाई यहाँ पर आगे की तरफ दिखा रहा है और लोकेशन, यहाँ पर कुछ बंदे हैं, ये दो बंदे यहाँ पर नीचे हैं, एक बंदा इसको स्कैन किया भाई चला गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। भाई इसने गन तान दी उन बंदों पे यार, ये तो है तो विलन ही, पर ये बंदा नहीं है जो हमें चाहिए, वो बंदा नहीं है, बंदा तो है वो, ये बंदा नहीं, ये भी नहीं है इनमें से, नहीं भाई ये भी नहीं है। और भाई ये है, इसका नाम है छड़ मूलीगन, मूली जैसा तो नहीं है ये, पर छड़ भी नहीं है किसी एंगल से, पर ठीक है माँ बाप ने जो नाम रख दिया वो रख दिया। पर भाई इस बंदे के पास ना कार है, ये बंदा चलते चलते गली में आया, मैंने फ्रैंकलिन को इन्फॉर्म कर दिया, पर फ्रैंकलिन तभी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच गया है, ये उसने अपना गराज खोला ही था आई एम श्योर गाड़ी निकालने के लिए, बट जैसे ही फ्रैंकलिन ने गन तानी ना वो सीधा अंदर भाग के गया, उसने भाई गाड़ी निकाल दी बाहर, भाई गाड़ी लेके फुल स्पीड में ये बंदा चले जा रहा है, चले जा रहा है, और भाई ड्राइवर इसका पीछा कर रहा है हेलीकॉप्टर से, और फ्रैंकलिन को पूरी की पूरी लोकेशन बता रहा है कि भाई ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उसका पीछा कर, और पीछा छोड़ना नहीं है, बिकॉज यही एक मौका है इस कार को चोरी करने का, बिकॉज आज ये ट्रांसपोर्ट करके इसको बाहर भेज देंगे, तो हमारे पास और मौके नहीं आने वाले हैं, तो भाई तू जल्दी से जा और छीन के ला बस ये वाली गाड़ी, मुझे नहीं पता तुझे बंदा मारना पड़े, बंदे की फैमिली मारनी पड़े, डजेंट मैटर, ये कार चाहिए। ठीक है भाई, ये बात सुनते ही फ्रैंकलिन उसके पीछे पड़ा हुआ है, ड्राइवर भी लोकेशन उसकी ट्रैक कर रहा है। भाई लोकेशन ट्रैक करते करते वो लोग एक पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं, और हाँ भाई पार्किंग लॉट के अंदर इसने गाड़ी पार्क कर दी है। अब ड्राइवर का काम क्या रह जाता है मैं आपको बताता हूँ, ड्राइवर का काम रह जाता है कि ड्राइवर इस पूरी बिल्डिंग को स्कैन करेगा थर्मल स्कैनर से और वैसे भी, और भाई फ्रैंकलिन को बताएगा कि क्या वो बंदा यहीं पर है, और अगर है तो कौन से फ्लोर पर है। भाई पूरी बिल्डिंग वैसे देखने के बाद तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ पर है और यहाँ पर है भी या नहीं है,
लेकिन भाई अब वो जो थर्मल स्कैनर ऑन कर रहा है ना, यहाँ पर कुछ लोग एक तो गाड़ी साफ कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, पर जो अभी भी अंदर आया वो अचानक से इतने सारे काम नहीं कर सकता, वो बैठा होगा किसी ना किसी गाड़ी में। तो भाई थर्मल स्कैनर जब यूज किया है तो भाई यहाँ पर ये बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ गाड़ी में बैठा हुआ है और ये रेडी पोजिशन में, ये बंदा आया है फोन पे बात कर रहा है, ये किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मुझे जहां तक लगता है भाई यही बंदा होगा जो कि उस गाड़ी में बैठा हुआ है, और भाई यही है हमारा नेक्स्ट टारगेट। भाई ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये है हमारा टारगेट जो कि चारों तरफ देख रहा है बार बार, और ये परेशान है, पूरी बॉडी बिल्कुल हीट में जल रही है, ये बंदा परेशान है। भाई फ्रैंकलिन जाके सीधा गन तान दिया उस पर कि गाड़ी चुपचाप हैंड ओवर कर दे। भाई उसके बाद फ्रैंकलिन को आया गुस्सा कि उसने बहुत परेशान किया यार भगा भगा के, फ्रैंकलिन ने बंदा मार दिया और गाड़ी लेकर वो निकल रहा है। स्क्रैचेस पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो अपने मॉली को इन्फॉर्म कर दिया कि वो बंदा भाग रहा था, उसने स्क्रैचेस डाल दिए, हमारी गलती नहीं है। अब रस्ते में जितने स्क्रैचेस हम डालेंगे उसकी भी जिम्मेदारी हमारी नहीं, क्योंकि उस बंदे पर ऑलरेडी डाल दिया था। मॉली को मैंने पूरा इन्फॉर्म कर दिया था अपनी गाड़ी यही छोड़ दूंगा, गाड़ी तो मेरी कहीं से भी आ जाती, गाड़ी तो हम खैर और जनरेट कर लेंगे, मोड्स हैं हमारे पास। तो ये गाड़ी हमारी लाइक फिलहाल हमें मिल गई है, ये हमारी थर्ड सुपर कार जो कि हमने बिजनेसमैन के लिए चोरी की है। और भाई यहाँ से हम लोग चलेंगे थोड़ा सुपर फास्ट स्पीड में, बिकॉज हमें ये कार जल्दी से जल्दी डिलीवर करनी है। कोशिश करेंगे जितने कम स्क्रैचेस हो सकते हैं, बट भाई हमें तो लाइक यही नहीं पता हमारी साइड कौन सी, हम तो रॉन्ग साइड चलाते हैं, तो स्क्रैचेस कम होने के मतलब ही नहीं मिलते। तो ये गाड़ी लेकर मैं आ गया हूँ सीधा एयरपोर्ट एरिया पर, जहाँ से वो बिजनेसमैन जाने वाला है सिटी के बाहर। और भाई यहाँ पर है ना, मैं उसको ये गाड़ी डिलीवर कर दूंगा, उसके बाद वो जाने और उसकी गाड़ी जाने, ये हमारी तरफ से थर्ड सुपर कार हो जाएगी। और हमें सिर्फ दो सुपर कार उसे और देनी है, जिसके बाद वो हमारी पेमेंट रिलीज कर देगा। भाई जिस हिसाब की बात स्टार्टिंग में हुई थी उस हिसाब से वो एक्ट तो नहीं कर रहा है, बात हुई थी पर गाड़ी पेमेंट की, और अब उसने कहा कि सारी गाड़ियां हो जाएगी उसके बाद। भाई पुलिस वाले ने मुझे पहचान लिया कि गाड़ी उसी की होगी, उसने बता दिया आगे से लेफ्ट जाके इसी वाले बिल्डिंग के अंदर छोड़ देना। यहाँ उसकी एक पर्सनल जो जेट था वो वेट कर रहा था, और वो भी यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी और लोग बॉडीगार्ड के साथ था। गाड़ी देखते वो कहता भाई ये तो बिल्कुल पेलने लायक माल है, लेकिन नहीं इसको सिर्फ चलाएंगे, पेलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत महंगी कार। भाई सिर्फ कच्चे और बनियान में फ्रैंकलिन ने इस गाड़ी को चोरी कर लिया है, और भाई ये इतना इजी काम नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करता तुम्हारा भाई, सिर्फ ये कहता है भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ताकि ज्यादा लोगों तक मैं रीच कर पाऊँ अपनी, और भाई उसके बाद तो आप लोगों के लिए शुक्रगुजार मैं हूँ। भाई जैसे जैसे ये वाला रैंप देखता हूँ ना, मेरे अंदर चुल होती है भाई, इससे तो सीधा जाने में, इससे तो उड़ना ही है। भाई बहुत ही तगड़ा जंप मारने के बाद मैं चला गया हूँ आगे। मुझे बस फ्रैंकलिन उसके माइकल के मैसेज का वेट है, जो मेरे को बताने वाला है कि नेक्स्ट कार मेरे को कहाँ मिलने वाली है। भाई फ्रैंकलिन का माइकल का मेरे को मैसेज आ गया कि भाई तुझे जाना है सीधा का सीधा फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी में ना जाके पहुंच के मॉली को कॉल कर लेना, वो तेरे को नेक्स्ट प्लान बताएगी। मॉली जो है ये उस बिजनेसमैन की सेक्रेटरी है, जो कि है तो स्मार्ट बट बेवकूफ सी लगती है मेरे को। तो भाई यहाँ पहुंचने के बाद ये है फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी में मेरे को डायरेक्ट गेट से नहीं जाना है, मेरे को जाना है दीवार कूद के। तो मैं पहुंच गया लोकेशन पे और मॉली को कर दिया मैंने फोन, मॉली ने फोन उठा लिया। भाई मॉली को बताती है कि तेरे को ना अंदर जाना है, और गाड़ी के आसपास या फिल्म सिटी के सेट पर किसी भी नॉर्मल बंदे को अलाउड नहीं, तो तेरे को ना एक्टर का यूनिफॉर्म देना पड़ेगा जो वो पहन के करने वाला है अपना शो शॉट आज का, तो जाके उसकी यूनिफॉर्म ले और फिर उस पर जाना। तो भाई उसके लिए तेरे को इजीली वो मिलेगा नहीं, तेरे को पहले एक्टर मारना पड़ेगा, उसके कपड़े उतारने पड़ेंगे, फिर तेरे को पहन के आगे जाना पड़ेगा। भाई माइकल फ्रैंकलिन के लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं है, यहीं पर वो एक्टर भाई अपने उससे मेकअप आर्टिस्ट से लड़ रहा है कि भाई तूने मेरा मेकअप बिल्कुल दीपक कलाल जैसा कर दिया है। भाई मेरे को दीपक कलाल नहीं, मेरे को तो उर्फी जावेद बनना था। भाई 2-3% में ये उर्फी जावेद का बच्चा हो गया है बिल्कुल बेहोश, और मैंने इसको उठा के ले आया हूँ वैनिटी के अंदर, कुंडी लगाकर मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज और उसको छोड़ दिया एज इट इज, बिकॉज जब मैं हीरो बन गया तो भाई दूसरे हीरो की जरूरत है नहीं। शूटिंग चल रही है बस यही राइट साइड में, बस मैं गलत शूटिंग पे ना एंट्री कर जाऊं या फिर गलत एक्टर के मैंने कपड़े ना ले लिए हूं ताकि वो पहचान ना ले मुझे। तो भाई यहां पर जैसे ही मैं राइट साइड मुड़ा हूं, पुलिस वाला कह रहा भाई तुझे सेट पर होना चाहिए, वो वेट कर रहा है, मतलब इसने तो मुझे नहीं पहचाना, इसने मुझे एक्टर ही माना है। यहां पर डायरेक्टर भी वेट कर रहा है, भाई वेयर इज माय एक्टर, वेयर इज माय एक्टर।
और ये है वो सुपर कार जो कि विंटेज भी है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इस कार को चोरी करके हमें लेकर जाना है नेक्स्ट स्टेप पर। भाई गर्लफ्रेंड नहीं, ये भाई एक्ट्रेस अंदर ऑलरेडी बैठी हुई थी, उसको कुछ भनक नहीं थी इस बारे में, उसको लगा था मैं ही एक्टर हूँ, वो उतरी नहीं। भाई इसको एक बार उतरने का मौका हम जरूर देंगे और नहीं उतरी तो फिर इसको चढ़ा देंगे, मतलब समझ रहे हो ना। भाई उतरने का मौका दिया, ये उतरी नहीं भाई, लेकिन ये जो स्टेयरिंग व्हील के साथ खेल रही है अंदर बैठ के, ये एक्सीडेंट करवाने की पूरी कोशिश में है। दो सिक्योरिटी गार्ड्स अलग अलग गाड़ी लेकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, इनसे मुझे बचना है और भाई मुझे इस एक्ट्रेस को निकाल के फेंकना है यहाँ से। भाई जैसे मैंने यहाँ पर रोकी ना, एक्ट्रेस तो निकल के भागना चाह रही है, गेट हो रहा है ब्लॉक, वो दो तीन जगह टक्कर लग गई है। एक्ट्रेस है बहुत स्मार्ट और भाई फाइनल निकल के भाग गई और दो है सिक्योरिटी गार्ड, दोनों को मैंने कर दिया है बेस तो नाबू। कौन सी मूवी का डायलॉग था जिसको मैंने वाले को कॉल कर दिया है, वो भी है कॉल करने का, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे ऐसे था, एक्ट्रेस अंदर बैठी हुई थी, उसने गाड़ी को बड़ी टक्करें मार दिए। मैंने इस वाला भी इल्जाम पूरा का उन पे डाल दिया, मेरी गलती थी, मैं तो रास्ते में बहुत प्यार से चलाता हूं, मेरी तो कहीं गाड़ी टच होती नहीं जैसे ये हुई थी, ऐसे होती नहीं। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी कंडीशन में, मैंने तेरे फ्रेंड लेमार को कॉल कर लिया है और लेमार बहुत एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, लेमार भी तेरे को इस लोकेशन पर मिल जाएगा, तो गाड़ी लेकर बस पहुंच जा। तो भाई जैसे ही मैं लोकेशन में पहुंचाऊंगा, इस शटर के अंदर हमें करना है डिलीवर। और भाई यहाँ पर जो बिजनेसमैन था वो सूखा नशा करके भांग के पत्ते कॉफी में मिला के पीछे खड़ा हुआ था और भाई गाड़ी देखते हुए कह रहा भाई यही है मेरी फेवरेट कार। मैं पूरा मेरे को गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन करता कि ये गाड़ी मेरे को कैसे पसंद आई, तो तभी लेमार की एंट्री होती है भाई, और लेमार को देख के फ्रैंकलिन कहता है अब कद्दू चोर को यहाँ कर क्या रहा है, क्योंकि भाई ये जो कद्दू चोर है ना ये गाड़ियों का एक्सपर्ट है। अगर आप लोगों को याद होगा फ्रैंकलिन और लेमार का जो फर्स्ट मिशन था उसमें भी ये लोग गाड़ियां ही चुरा रहे होते हैं, तो गाड़ियों का एक्सपर्ट यही था, इसीलिए जिसकी फ्रैंकलिन की जॉब लगवाई थी गाड़ी वाले गैराज में, जिसके बाद ये माइकल से मिला था और ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और हमने भी आप लोगों से इंटरेक्शन वहीं पर स्टार्ट किया था। सो अब तक का जो इंटरेक्शन मेरा आप लोगों से रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की कौन सी वीडियो मेरी सबसे अच्छी लगी है और कैसा चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या पसंद आया और क्या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।